हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो इस वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, उसको प्रूव करने वाले जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है। अच्छा, छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ ताकि ये तुम लोग को एकदम ज्यादा तकलीफ ना दे। क्या सीखा? इतने लेक्चर हो गए हमारा, 4.1 एक्सरसाइज हो गया, 4.2 में यही यूज होने वाला है हमें। क्या है, क्या कोई भी बोर्ड के हो आप लोग, तो ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख बच्चा क्या है, एकदम आसान है। चिंदी बोलते ना, देखो ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, ये वाई एक्सिस है और ये जो बना रहा हूं ये एक्स एक्सिस है। अगर दो लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, लेट कंसिडर एस एल वन, हम लोग ने इसको बोल दिया एल वन, मतलब पहला लाइन है, और हमने इसको बोल दिया दूसरा लाइन है, ये एल टू। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब देखो दोनों लाइन कहां से पास हो रहे, ओरिजिन से। इसका अपना एक स्ट्रेट लाइन होगा, अपना एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब इसका एक अपना एक इक्वेशन होगा, इसका एक अपना इक्वेशन होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, कंबाइंड इक्वेशन। ग्रेट, अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर क्या बन जाता है, कंबाइंड इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहां पर सी नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। ये भी क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए सी नहीं होता है। अच्छा, ये पहला लाइन है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए वन बी वन, ए टू बी टू। मतलब पहला लाइन को ए वन बी वन दे दिया और दूसरे लाइन को ए टू बी टू। ये हमें 10th स्टैंडर्ड से पता है और इतने सारे लेक्चर हो गए वहां से पता है हमें। तो बच्चा दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो मुझे एक कंबाइंड इक्वेशन मिलता है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बराबर, यहां तक क्लियर हो गया? इतने लेक्चर यही तो किए। अब ये स्ट्रेट लाइन का अपना एक स्लोप होएगा जिसको हम लोग M1 बोलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन का अपना एक स्लोप होएगा जिसको हम लोग M2 बोलेंगे। जैसे मैंने कंबाइन कर दिया, दो इक्वेशन जो अलग अलग थे अब वो एक दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर दो जन से बना हुआ है, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं दो स्लोप छुपा हुआ है, एक पहला M1 होगा और दूसरा M2 है। तो मतलब इसके अंदर कितने स्लोप है, एक M1 है और एक क्या है, M2। हम लोग ने इसके बारे में प्रूफ किया है, ये दोनों के बीच का एक रिलेशन हमने प्रूफ किया है। क्या रिलेशन प्रूफ किया ये बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग को मालूम है M1 प्लस M2 क्या होता है, M1 प्लस M2 इंडिविजुअली M का भी मैंने प्रूफ करके दिए हैं, हाँ इसी वीडियो में प्रूफ किया, जाके देख लेना, ठीक है ना। M1 प्लस M2 क्या है, M1 प्लस M2 मतलब माइनस टू एच अपॉन बी होता है, मतलब दोनों को प्लस किया तो माइनस टू एच अपॉन बी होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई किया M1 डॉट M2 तो ये क्या होता है, ए अपॉन बी। अक्सर मैंने देखा है बच्चे लोग यहां पर गलती करते हैं, एक स्लोप का जो फॉर्मूला होता है ना, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जब होता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहां पर स्लोप का जो फॉर्मूला था, स्लोप मतलब ढलान, तो यहां पर है ना माइनस ए अपन बी होता है, और माइनस ए अपन बी मतलब ए मतलब एक्स के साथ जो चिपका है, और यहां पर जो ए रहता है ना वो एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपका है, मतलब ये कंबाइंड वाला, ये ए और ये ए दोनों अलग अलग है, इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। यहां पर माइनस ए बाई बी है, यहां पर ए बाई बी है, आपने कैसे याद रखा, ये अकेला है मतलब इसके पास है ना कमजोरी रहेगा माइनस, ये दो जन साथ में आ रहे तो ये ताकतवर है, यूनिटी स्ट्रेंथ, ए अपॉन बी यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर थोड़ा सा हल्का पड़ गया ये बंदा, ठीक है ऐसे याद रख सकते हो। नाउ वंस यू डन दिस, हम लोग को और कुछ पता है, हाँ हम लोग ने देखा था ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो बचपन का प्यार होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, आठवीं नौवीं दसवीं में यही किया। लेकिन सर आपने इतने लेक्चर में सिखाया हम लोगों को कि a माइनस बी द होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। बराबर, आपने इसका प्रूफ भी करके दिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग इसको अगर चाहिए तो मगअप कर लेंगे, मतलब ये रट्टा बट्टा कर लेंगे। अरे ये आया, देख बच्चा तू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जरा सॉल्व कर देते, चलो इसको सॉल्व कर दो, देखते एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते कि वाकई में ये ऐसा है क्या, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, देखते ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर यही है, और ये माइनस फोर ए बी। देखो ए स्क्वायर रखो और ये होता क्या है, इसको और इसको पिक्चर में ले लो, देखो ये वाला इधर आ, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी, टू ए बी माइनस फोर ए बी क्या होता है, माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब ये कुछ और नहीं, ये जो दिख रहा है ना अलग तरीके से, ये कुछ और नहीं, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो बच्चा इससे आपको क्या लेना देना है, इससे मुझे ये लेना देना है कि मैं यहां से ना a माइनस बी की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं अपना नाम लिख सकता हूं, आशीष माइनस कैटरीना द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आशीष का स्क्वायर माइनस टू इंटू आशीष इंटू कैटरीना प्लस कैटरीना का स्क्वायर।
या फिर आशीष माइनस कैटरीना द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, आशीष प्लस कैटरीना द होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स आशीष इंटू कैटरीना। तो ये आशीष कैटरीना डालने के पीछे कुछ वजह है क्या? हाँ, मुझे पसंद है। अबे चुप, यहाँ पर देख, यहाँ पर अब मैं ए और बी की जगह पे ना एम वन और एम टू लिख रहा हूँ। तो मतलब एम वन माइनस एम टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सोचो। हाँ बच्चा बोल बोल, हाँ हाँ बोल। ए माइनस, ये मत लिखो, ये वाला लिखो, एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू द होल स्क्वायर माइनस फोर एम वन इंटू एम टू। ये हमने रिलेशन देखा है, इतना अगर तुम लोग को आता ना, इनफ है, इतना आता है, इनफ हो जाएगा, आगे बात करेंगे। प्लीज कॉपी कर लो, लेकिन एक चीज याद रखने का, अगर दो लाइन पैरेलल होता है, एक का नाम एम वन है, एक का नाम एम टू है, तो ये दोनों लाइन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एम वन इज इक्वल टू एम टू। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, एक एम वन है और एक एम टू है, इतने दिन से यही कर देते अपन, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, एम वन डॉट एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। सब कुछ प्रूफ करूंगा, टेंशन मत लो। प्लीज इतना एक बार अच्छे से रीड करो, फिर आगे का वीडियो प्रोसीड करना। सो गाइस, अब यहां पर चालू करते हैं। इफ थीटा इज द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल, एक थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम, बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, देखो बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन गिवन बाय, मतलब तुम लोग अभी जस्ट जो सिखाए ना यहां पर, अभी थोड़ा स्पीड में बात कर सकते हैं अपन, अब एक्सपीरियंस हो गए, जो बच्चा फर्स्ट टाइम देखते रहेगा उसको भी क्लियर हो गया रहेगा। ये पहला लाइन है एल वन और ये दूसरा लाइन है L2, बरोबर है, इसके बीच में कोई तो एक एंगल बनता रहेगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब समझता है 90 से कम। वो एंगल को अगर फाइंड आउट करना है, पेयर ऑफ लाइन समझ पा रहे हो, यहाँ पर इंडिविजुअली नाम नहीं दिया है, इंडिविजुअली नहीं दिया, इनका कंबाइंड इक्वेशन दिया है, कंबाइंड इक्वेशन। L1 क्या है पता नहीं, L2 क्या पता नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कंबाइन दिया है। एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम लोग उसको सेपरेट करके M1 और M2 निकाल लो, बरोबर है, लेकिन फिलहाल के लिए इसके बारे में बात हो रहा है। ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम। तो हम लोग को ये पता नहीं है L1 L2 क्या है, लेकिन इनका कंबाइंड इक्वेशन मालूम है, क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। अच्छा जनरल है ना, इसलिए जनरल दिए हैं, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है, इसके जगह पे एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर सॉल्यूशन मत लिखो, प्रूफ लिखो, क्या आएगा प्रूफ, ये देखते हैं प्रूफ। लेट एम वन एंड एम टू बी द वॉट, बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन, स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड, लिखते रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, अभी तो देखा टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू वोट जीरो। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग ने बोल दिया कि हम लोग ने मान लेते पहले वाले का एम वन है और दूसरे वाले का एम टू है, तो हम लोग को मालूम है देयर फोर वॉट, हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयर फोर एम वन प्लस एम टू क्या हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू, ये ऑलरेडी प्रूफ किया बच्चा मैंने, माइनस टू एच बाई बी और एम वन डॉट एम टू, एम वन डॉट एम टू मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या क्या आ रहा है, ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी नहीं लिखना बच्चा, एम रहेगा तो माइनस ए अपॉन बी एक स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव आता है, यहाँ पर दो जन आ रहे, मैंने बोला ज़्यादा पावर है, तो यहाँ क्लियर हो गया। नाउ वी नो डैट, ये होने के बाद देखो इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि टीचर लोग ना ये हाईलाइटेड पार्ट देख के खुश हो जाए, बोलेगा बच्चा अच्छा लिख रहा है। नाउ वी नो डैट, अपने को मालूम, अपने को कुछ नहीं आता लेकिन तभी भी हम लोग लिखते हैं, वी नो डैट, क्या बोलो, वी नो डैट व्हाट, बोलो, हाँ एम वन माइनस एम टू द होल स्क्वायर। इसके बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, ये वाले सम पर, इस पर जाके डिस्क्रिप्शन में जाना सब मिल जाएगा। एम वन प्लस एम टू द होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या बच्चा, माइनस फोर एम वन इंटू एम टू। जिस दिन तुम लोग भूल गए ना, याद रखना अपने को एम वन प्लस एम टू पता है, एम वन डॉट एम टू पता है, एम वन माइनस एम टू नहीं पता है, उसी को निकालना रहता है, तो लेफ्ट साइड में हमेशा एम वन माइनस एम टू आएगा, बोलो याद रहेगा सबको, है ना। और ये फॉर्मूले के बाद माइनस फोर है, जैसे यहाँ पर अंदर क्या रहता है, प्लस टू ए बी ना, तो हम लोग बोलेंगे माइनस फोर ए बी, ताकि ये कटकुट होकर वही बन जाए। नाउ अब वैल्यू पुट अप करो, ये फॉर्मूला अपने को मालूम है, बचपन का प्यार है यहाँ पर, ये नया कुछ नहीं है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। चलो एम वन प्लस एम टू का वैल्यू बोलो, एम वन प्लस एम टू का वैल्यू, देयर फोर क्या बोलोगे, माइनस टू एच अपॉन बी द होल स्क्वायर माइनस फोर एम वन डॉट एम टू का वैल्यू, एम वन ए अपॉन बी, बरोबर है। अगर चाहिए तो इसको वन लिख दो, चलेगा यहाँ पर, यू वन वन, ये भी आ गया, ये भी आ गया, चाहिए तो इसको वन, इसको टू, तुम्हारी मर्जी, अपना अपना लुकआउट है, जैसा चाहिए हो। कहाँ से अगर तुम लोग को चाहिए तो लिखने का, फ्रॉम वन, ताकि ये ना अपने को मार्क्स मिले, तीन से चार मार्क्स का समय था, तीन मार्क्स के लिए प्रूफ आता है, एक सम दे दिया तो चार मार्क्स बना देते हैं लोग। चलो वैल्यू बताओ क्या आएगा, सर देखो इसका आंसर आएगा माइनस का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव टू का स्क्वायर फोर
सब चिपके हुए ना तो हर एक का स्क्वायर होता है, सब चिपके हुए तो हर एक का स्क्वायर रूट होता है, याद रखना सब चिपके ना, माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, टू का स्क्वायर फोर, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस फोर ए अपॉन बी। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? लास्ट लेक्चर से सीखते आ रहे अपन कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम करो, डिनोमिनेटर हमेशा सेम करो। इसके पास बी स्क्वायर है, इसके पास क्या है बी है, तो इसका बी स्क्वायर लाने के लिए इसको और एक बी की जरूरत है। अगर नीचे बी से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी बी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बोलना क्या चाहते हो, फोर एच स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर माइनस, मैं नीचे और एक बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और एक बी से जैसे मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर रहेगा, तो ऊपर भी बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ए बी हो गया। बोलो ये क्लियर हो गया? अच्छा लेफ्ट साइड में एम वन माइनस एम टू द होल स्क्वायर है, भूलना नहीं। तो यहाँ पर कंटिन्यू करो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा? यहाँ तक क्लियर हो गया? नाओ 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 नाओ, हाँ चलो यहाँ तक अच्छा लग रहा है कि नहीं देखने में? अरे सोल्यूशन यहाँ से चालू हो रहा है। देयरफोर अब देखो एम वन माइनस एम टू द होल स्क्वायर, तुम लोग चाहिए तो इसको एक साथ लिखते जाओ, तुम लोग के पास जगह है ना नीचे लिखते जाओ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या है बी स्क्वायर। ओके ग्रेट, और फिर जैसे डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला क्लब करते हैं, फोर एच स्क्वायर माइनस फोर ए बी, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ बच्चा 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को बाहर, बोलो क्या बचेगा, एच स्क्वायर 4 बाहर है तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ ए बी अपॉन में क्या बचेगा बी स्क्वायर। अच्छा ये क्या मिला, एम वन माइनस एम टू द होल स्क्वायर, बरोबर है? तो एम वन माइनस एम टू क्या हो जाएगा, एम वन माइनस एम टू क्या हो जाएगा, सोचो, दिमाग लगा बच्चा? हाँ ग्रेट, लगा लगा, अरे पहली बार तो दिमाग लगाने जा रहा है, सोच यहाँ पर क्या आएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी एस मतलब ए बी टी एस फैन, टी नहीं है इसमें, बोथ साइड, बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या था अंडर रूट में एम वन माइनस एम टू द होल स्क्वायर आता है, और ये स्क्वायर रूट में यहाँ पर क्या स्क्वायर रूट में फोर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बी स्क्वायर। मैं तुम लोग से एक छोटा सा चीज़ें पूछता हूँ, इसके अंदर कितने लोग थे, एक माइनस था, एक टू था, एक एच था, एक बी था, टोटल चार लोग हैं, चारों का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर रूट है ना, यहाँ पर एक है, ये एक है, ये एक है, टोटल तीन लोग हैं, तीनों का स्क्वायर रूट होएगा। लेकिन हंसी मजाक में ना तुम लोग एक गलती कर देते हो, हमेशा जब जब स्क्वायर रूट लोगे ना तो हमेशा इधर प्लस माइनस डालने जरूरी रहता है, प्लस माइनस डालना जरूरी रहता है, ये याद रहेगा सबको। मतलब कभी तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन आता है ना एक जगह, तो स्क्वायर रूट जब लेते हैं ना हम लोग, तो ये देखो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर तो लिखते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट नाइन लिखते हैं, इसका मतलब क्या था, प्लस माइनस यहाँ पर थ्री, और ये कैंसिल होकर एक्स बचता है। देख लो इसका आंसर प्लस थ्री भी है, इसका आंसर माइनस थ्री भी है, प्लस थ्री मतलब थ्री इंटू थ्री नाइन, माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री नाइन। इसलिए जब जब ऐसा रहेगा एक स्क्वायर में और बाजू में नंबर रहेगा ना, जब स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस भी डालने का माइनस भी डालने का, ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। तो ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, जैसे ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा एम वन माइनस एम टू। अब देखो प्लस माइनस तो है, प्लस माइनस तो है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये रूट इसके पास भी जाएगा, रूट इसके पास भी जाएगा, रूट इसके पास, इसके पास जाएगा तो फोर का स्क्वायर रूट टू होता है, इसका स्क्वायर रूट, प्लीज ऐसा मत कर देना एच स्क्वायर माइनस ए बी, रूट इसके पास जा रहा है इसके पास, ये एक टर्म है, प्लस माइनस आता तो तोड़ नहीं सकते जब चिपके रहते, तो ये इसके साथ चिपका है, लेकिन ये दोनों आपस में चिपके नहीं है, नहीं तो मैं रूट इसको भी देता, इसको भी देता, तो हम लोग को ये कट कर दिया तो नर्क में जाएगा, डायरेक्टली नर्क में कन्फर्म, टिकट कन्फर्म हो जाएगा जैसे इसको कट किया तो। अगर अकेला ये रहता ना एच स्क्वायर तो कैंसिल कर सकता है, लेकिन ऐसा किया तो डायरेक्टली नर्क का टिकट कंफर्म हो जाएगा तेरा, समझ पा रहे ये चीज? तो हम लोग है ना, अब ये रूट इसके पास गया, इसके पास भी जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन व्हाट, देखो अब ये रूट इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास गया, देखो ये रूट में बी स्क्वायर आया तो ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ बी बचेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए तुम लोग को, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, मेरे हिसाब से ये कन्फर्म हो गया कि क्या है क्या नहीं। तो एम वन माइनस एम टू का वैल्यू दो आया, प्लस आया माइनस आया, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो मैं तुम लोगों को ना लॉजिकली बात करूंगा, मैं तुम लोगों को रटाना नहीं चाहता। क्या तुम लोगों को मालूम है एम वन बड़ा या एम टू बड़ा है? नहीं। तो अगर समझ लो एक एक स्लोप का वैल्यू 20 आया और दूसरे का 15 आया, अगर मैंने बोला दोनों का डिफरेंस बताया, एक एक का देखो एक का एक एक 20 आया, एक स्लोप 20 आया और दूसरा 15 आया, अगर मैंने बोला दोनों का डिफरेंस बताओ तो क्या बोलोगे? सर 5। गलत। डिफरेंस का मतलब ये माइनस ये भी हो सकता है, ये माइनस ये भी तो हो सकता है। मैंने डिस्टेंस थोड़ी ना बोला, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिफरेंस जब बोलता हूँ तो 20 माइनस 15 या 15 माइनस 20,
तो आंसर क्या 20 में से 15 जाएगा 5 बचेगा, 15 में से 20 जाएगा 5 बचेगा, लेकिन माइनस में। तो आंसर एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है, जब तुम लोगों को मालूम ही नहीं है। इसके पीछे का देख बेस्ट एग्जांपल है M1 माइनस M2, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, इसलिए हम लोग ने ऐसा लिखा। ये पीछे का एनालिसिस पार्ट है, बहुत कम लोग जानते रहेंगे इसके पीछे का एनालिसिस पार्ट, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अपने को लेना देना नहीं, अपन एक कमजोर स्टूडेंट, अपन इतना सब जानेगा तो भाई वो टॉपर क्या करेगा, हाँ वो टॉपर क्या करेगा, उसको इतना नॉलेज है क्या? तू फ्रेंड्स एकेडमी से ज्वाइन हो चुका है, टॉपर बनाना मेरा काम है। ये समझा, ये समझा, ये समझा। देखो यहाँ पर बी स्क्वायर बनाया, सॉल्व करते 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 डिनोमिनेटर अलर्ट हो जाना, अलर्ट हो जाना, अलर्ट हो जाना, यहाँ पर लिखता हूँ अलर्ट, अलर्ट समझा ना? अरे हाँ है ना, देख अलर्ट का सिंबल है। अब यहाँ पर अब मुझे ना 11वीं का एक फॉर्मूला लगने वाला है। नाउ नाउ एस थीटा इज एक्यूट एंगल अपने को मालूम होना चाहिए, बिटवीन द लाइंस, ठीक है, बिटवीन द लाइंस। तो बच्चे एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, 10वीं में 11वीं में सीखा था, M1 - M2 अपॉन डॉट 1 + M1 - M2। ये कहीं ना कहीं है ना, तुम लोग को ऐसा लगता रहेगा कि ये टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है, लेकिन यही फॉर्मूला M1 - M2। यहाँ पर देखो, हाँ M1 - M2 अपॉन डॉट 1 + M1 - M2। एक बार फॉर्मूला रीड करो, टेन थीटा, जब देखो इंडिविजुअली स्लोप मालूम रहता तो इससे मिल जाएगा, लेकिन तुम लोग को इंडिविजुअली स्लोप दिया ही नहीं है, मैं कंबाइंड इक्वेशन देने वाला हूँ, तो तुम लोग ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअली स्लोप देता कि पहले का 2 है दूसरे का 4 है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला मार के मिल जाता है दोनों के बीच में एंगल जो है। यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू M1 - M2 अपॉन डॉट 1 + M1 - M2। एक बार वापस M1 - M2 अपॉन डॉट 1 + M1 - M2। अब समझा M1 - M2 क्यों निकाल रहा था मैं, इसके अंदर वैल्यू पुट अप करने के लिए। तो यहाँ पर इसको दे देते 2 और वैल्यू पुट अप करते, चलो इसको दे देते 2 और वैल्यू पुट अप करते और आंसर निकालने की कोशिश करते हम लोग सब लोग मिलके। टेन थीटा इज इक्वल टू M1 - M2 क्या है, M1 - M2 ± 2 अंडर रूट में H²-AB / B अपॉन में 1 + M1 - M2। M1 - M2 क्या है, A / B। कहाँ से आया, सब कुछ रीजन परफेक्टली देने का। अच्छा मॉड तुम लोगों को मालूम है मॉड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, फ्रॉम वन एंड टू मॉड का इंपॉर्टेंस क्या होता है मालूम है, ये ओवरऑल पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। मतलब सर टेन थीटा लिखो, देखो ये वाला नहीं बोला है, ये ओवरऑल नहीं, देखो ये यहाँ पर देखो ±2√H²-AB / B जो था ना अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई बी। देख इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखो क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे मेरे जैसे कमजोर होते हैं ना, उनको मालूम नहीं पड़ता, पहले इसको मल्टीप्लाई करना 1 × B प्लस फिर इसको A / A में नीचे वाला, पहले ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये कहेगा B + A / B। अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मार डालो साले को। टेन थीटा इज इक्वल क्या बचा, ±2√H²-AB अपन B + A को A + B लिखो, A + B लिखो। अब देखो प्लस तो प्लस ही रहेगा, माइनस जो ओवरऑल माइनस है याद रखना, मॉड में -3 को हम लोग 3 लिखते हैं, तो माइनस का काम हो गया। माइनस क्या करेगा, दैट इज मॉड हटा दोगे तो मॉड हटाओ मत, डायरेक्टली बोलो प्लस माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, H²-AB / A + B वेयर A + B इज नॉट इक्वल टू वॉट 0। बता दो क्यों ऐसा, हैंस प्रूफ, हैंस देखो एक मिनट, हाँ यहाँ पर तुम लोग ये नहीं लिखोगे चलेगा, हैंस प्रूफ लिख दो। पहले पूछो अपने आप से क्या किया, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुआ, ये लिखा फॉर्मूला लिखा टेकिंग स्क्वेयर रूट डाल दिया, ग्रेट। इसके बाद क्या ही किया सर, ये फॉर्मूले को उठा के, अच्छा ये क्लास 11th का फॉर्मूला है, क्लास 11th में सीखा था स्ट्रेट लाइन में, क्लास 11th एग्जाम में लिखने का नहीं, स्ट्रेट लाइन में सीखा है, जाके अपना नोट्स ओपन कर लो। तुम लोगों को लगता रहेगा सर पका रहे, नहीं बच्चा सच बात यही है कि ये क्लास 11th का है। टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो अब समझा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये, जब स्लोप नहीं दिया है दोनों का कंबाइंड इक्वेशन दिया है तो एक्यूट एंगल ऐसा मिलेगा। अच्छा दोनों का स्लोप दिया है तो एक्यूट एंगल ये वाले फॉर्मूले से भी काम हो जाएगा। दो तरीके से एक्यूट एंगल निकाला जा सकता है, एक बार वापस अपने आप से बात कर लो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है उसका कंबाइंड इक्वेशन दिया है तो उसमें ए होगा एच होगा बी होगा, इसमें वैल्यू पुट अप करके काम हो जाएगा। लेकिन दो लाइन दोनों एक M1 है और एक M2 है, दोनों के दोनों ओरिजिन से पास हो रहा है या कहीं से भी पास हो रहा है तो यहाँ से जुगाड़ हो जाएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं ओरिजिन से ही पास होना चाहिए, बस एक्यूट एंगल मिलेगा, दो एंगल जहाँ पर मिल रहे दोनों के बीच में एक्यूट एंगल।
ऑप्टिस एंगल के बारे में बात नहीं होता है। ऑप्टिस क्या, अगर एक 30 डिग्री है तो समझ लो ऑप्टिस क्या रहेगा। सोचो बच्चा, यहाँ पर कुछ बच्चे मुझसे पूछते सर ये देखो ये समझो ये 30 डिग्री है तो व्हाट अबाउट दिस वन, अरे वर्टिकल या अपोजिट के साथ तुम लोगों को मालूम है ये अगवाड़ा 30 है तो पिछवाड़ा भी 30 ही होता है, एक याद आ रहा है लीनियर वर्टिकल या अपोजिट एंगल। तो अगर ऑप्टिस एंगल पूछेगा ये 30 है, तुम लोगों को मालूम है आजू बाजू को मिला के 180 होना चाहिए, तो ये 30 है तो ये 150, देखो ऑप्टिस एंगल भी मिल जाएगा। तो एक के पीछे हटकर एक्यूट एंगल मिल जाएगा तो ऑप्टिस एंगल भी मिल जाएगा, मेरे हिसाब से क्लियर होता है, समझ पा रहे हो ना। एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा, आपने एक्यूट एंगल बोला ऑप्टिस एंगल, एक्यूट मतलब 90 से कम, ऑप्टिस मतलब 90 से ज्यादा, व्हाट अबाउट 90 पे रहेगा तो क्या, सब कुछ क्लियर करेंगे। पहले इसको लिख लो फिर आगे डिस्कस करता हूं मैं, एक छोटा सा 3 मिनट का वीडियो। इसको है ना, इस क्वेश्चन को एक्सटेंड किया जाता है, यहाँ पर बोलते हैं अच्छा पैरेलल में क्या कंडीशन होगा, परपेंडिकुलर में क्या कंडीशन होगा, क्वेश्चन ऐसा आगे बन जाता है, फाइंड अ कंडीशन सच दैट लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल को कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। इसका मतलब सर समझा नहीं, देखो दो लाइन है ना, बात हुआ था ना अभी अपना, बात हुआ था ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, पहला लाइन जो है ना समझ लो पहला लाइन ये जो दिख रहा है सबको ये सर नो, ये एल वन है, ये क्या है एल वन, और दूसरा जो है ये भी क्या है एल टू है, ये क्या है L2, मतलब एक के ऊपर एक है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है पैरेलल बोल सकते हैं, पैरेलल मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है क्या, ऐसा एंगल बना है क्या, ऐसा एंगल बना है टीटा वगैरह नहीं बना है, समझ पा रहे हो, मतलब ऐसा कुछ एंगल बना है क्या टीटा वगैरह नहीं बना, क्योंकि एक के ऊपर एक है। मीन्स हम लोग को मालूम है पैरेलल बोलो या कोइंसिडेंट बोलो, पैरेलल बोलो या कोइंसिडेंट बोलो, हम लोग को मालूम है दोनों का स्लोप सेम होता है, मतलब एम वन इज इक्वल टू एम टू होता है, मैंने सिखाया था कोइंसिडेंट के बारे में एग्जांपल लिया था अपन ने, तो पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो दोनों का स्लोप क्या होता है सेम होता है। तो इससे क्या साबित करना चाहता हूँ, कंडीशन तो देखो, इफ लाइंस आर पैरेलल या कोइंसिडेंट हम लोग बोलेंगे एम वन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे एम टू, बोले ये जो क्लियर होना चाहिए पैरेलल परपेंडिकुलर में एम वन डॉट एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। तो बच्चा एक चीज बताओ एम वन प्लस एम टू इससे रहेगा तो क्या आएगा माइनस एम टू इक्वल टू जीरो। अच्छा यहाँ पर मैंने सेकंड वाले इक्वेशन में एम वन माइनस एम टू का जुगाड़ करके रखा था, क्या था बच्चा, हाँ जरा सोचो, प्लस था माइनस था टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया तो बी हो गया था इक्वल टू जीरो। कहाँ से आया, फ्रॉम, याद करो फ्रॉम टू, फ्रॉम टू, हर एक का रीजन देने की कोशिश करता हूँ मैं। अब यहाँ पर अच्छा यहाँ पर देखो, ये देखो रूट को हटा दे, रूट को हटा दे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड लिख देते, या फिर देखो ये बी इधर डिवाइड करा इधर मल्टीप्लाई करेगा, टू इधर मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड करेगा, बी के जीरो के साथ कुछ भी करेगा बी तो जीरो हो जाएगा, टू जीरो के नीचे आ जाएगा तो जीरो, प्लस माइनस लिखने से अच्छा यहाँ पर देखो प्लस माइनस हो गया अंडर रूट। जरा नहीं समझता तो यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देता हूँ ताकि है ना मेरे जैसे जो नाजुक कली वाला बच्चा रहता है ना सब कुछ समझे, जीरो से मल्टीप्लाई करेगा बी तो जीरो, जीरो अपॉन एनीथिंग इज वाज जीरो, तो प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर अब रूट को हटा दो, रूट को हटा देंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, चलो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड बी एस मतलब स्क्वेयरिंग, प्लस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, और जैसे मैंने स्क्वेयर किया तो ये रूट गायब हो जाता है, मतलब देख बच्चा ये रूट गायब हो जाता है स्क्वेयरिंग, देखो ऐसा हो जाता है, और जीरो का स्क्वायर तो जीरो होता है, देख ये चिपके हुए दोनों, प्लस का स्क्वायर भी प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट मर जाएगा, मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू और जीरो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे चल के मालूम पड़ेगा इसके बाद जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो एक बार वापस बात कर लो, एक बार वापस बात कर लो क्या किया अपन ने। और देखो एक बच्चा जो नॉर्मल बच्चा होता ना लेजी बच्चा मैंने जो इसे बोला था, तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोग बोलेंगे यहाँ पर देखो प्लस माइनस टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बी इक्वल टू और जीरो है ना, बोलेगा इधर मर गया ये इधर मर गया, प्लस माइनस उधर दे देने के बाद भी कुछ नहीं होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू और जीरो होगा, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड माइंड में करते ए बी इज इक्वल टू जीरो, ये चीज़ याद रखना। ऐसा भी डायरेक्टली कर सकते, ये सब मगजमारी बच्चे जैसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ बच्चे होंगे यहाँ पर, 100 में से 80 लोग स्मार्ट नहीं होते, 80 लोग डब्बू होते, वीक होते, डब्बू तो नहीं बोल सकते वीक होते मैथ्स में, तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ, उन लोग ऐसा अप्रोच करो, ऐसा करो ऐसा करो, तुम्हारी मर्जी, हर एक चीज़ पता होना चाहिए बच्चा, हर एक चीज़ पता होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है बता, परपेंडिकुलर क्या आएगा, इफ इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अच्छा परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है एम वन और एम टू का, सर एम वन डॉट एम टू इज इक्वल टू माइनस वन होता है। अच्छा एम वन डॉट एम टू इज इक्वल टू माइनस वन होता है ना बच्चा, मुझे ये बता ध्यान से सोच समझ के बोलने का, मुझे बता यहाँ पर एम वन डॉट एम टू का वैल्यू है अपने पास, एम वन डॉट एम टू का वैल्यू, हाँ है ना,
कहां से मिला था देखो, फ्रॉम वन, याद करो फ्रॉम वन m1.m2 a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस वन. अच्छा b इधर डिवाइड करेगा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, a इज इक्वल टू माइनस b, माइनस b इस साइड आएगा तो क्या करेगा a प्लस b इक्वल टू जीरो. यहां तक क्लियर हो गया? मैं इसको ना थोड़ा अलग तरीके से बात करना चाहता हूँ. आज मेरा मन कर दिया कि यार कितने मिनट का वीडियो बन गया, तकरीबन आधे घंटे के आसपास बन गया, लेकिन मेरा आज मन कर दिया कि बच्चे लोग को बता दूं कि m1.m2 इज इक्वल टू माइनस वन होता क्यों है. चलो यहां पर आज बात हो ही गया तो यहां पर बात छेड़ ही देते हैं. ये हो गया. याद रखना पैरेलल में अगर कैसे मान पड़ेगा, ये लाइन जो दोनों लाइन है इसके पास वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है देखने का. अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू जीरो आ रहा है तो बोलेगा दोनों लाइन पैरेलल है. अगर ए प्लस बी का वैल्यू जीरो आ रहा है तो बोलेगा दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, अदरवाइज हम लोग बात नहीं कर सकते हैं. ये चीज समझ गया? चलो आज बात करता हूं मैं, आज हो ही जाए नाउ एज ए टाइम पास. मैंने बोला टाइम पास हो ही जाए. टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? टेन थीटा का वैल्यू यही वाला बोलो, टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन व्हाट, ए प्लस बी. अच्छा बच्चा जब मैं बात करूं परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर जरा सोचना, जरा सोचो, दिमाग लगाओ, यह फॉर्मूला यूज करो. देखो ना मैं दो तरीके से बात करता हूँ, या फिर वो ग्यारहवीं का बात करता हूँ, ग्यारहवीं वाला थोड़ा अच्छा लगेगा. क्या था m1 - m2 इज इक्वल टू क्या था, 1 + m1.m2 बरोबर है बच्चा? अच्छा जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर में थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर में थीटा का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब यहाँ पर बोलो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, m1 - m2 अपन वॉट, 1 + m1.m2. ये होने के बाद अच्छा tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड. क्या लिखते हैं हम लोग, नॉट डिफाइंड. देखो ना टेबल में tan 90, tan 00, 1/√3, 1/√3, नॉट डिफाइंड, ग्रेट, इज इक्वल टू वॉट. अब देखने हैं यहाँ पर m1 - m2 अपन वॉट, 1 + m1.m2. बच्चा मैंने इसके लिए ना अपने बच्चों को 100 times लिखने दिया है. कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी कब होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिला के इन्फिनिटी कब होता है, एनीथिंग अपॉन जीरो इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड. तो इन्फिनिटी कब होता है, इसका मतलब नीचे वाला क्या रहेगा, 100% जीरो रहेगा. इट मीन्स इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो रहा है, नीचे वाला जीरो मतलब 1 + m1 - m2 इज इक्वल टू वॉट जीरो. हमेशा याद रखना इन्फिनिटी तभी आता है जब नीचे जीरो होता है, अदरवाइज इन्फिनिटी नहीं आएगा. तो अभी बोल सकते हैं ये प्लस वन उससे रहेगा तो क्या आएगा, -1. ये ले तेरा क्वेश्चन का आंसर ताकि तुम लोग समझो. 11th के बाद मैंने ये सीखा कि m1.m2 माइनस वन होता है, यहाँ पर थोड़ी ना सीखा, ये 11th का पार्ट है, यहाँ पर तो मैंने यूज़ किया. अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन तभी भी मैंने बोल दिया टाइम पास, जिस बच्चे को चाहिए रहेगा टाइम पास के लिए उसके लिए बात हो गया. तो याद रहेगा पैरेलल में स्लोप क्यों सेम होता है, क्योंकि सेम झुका हुआ है, जितना ढलान इसका है उतना ही ढलान इसका है, समझ में, ढलान सेम होता है, स्लोप सेम मतलब ढलान सेम. तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, कंडीशन भी क्लियर कर लो. इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.2 चालू करेंगे जहाँ पर न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे. ठीक है बच्चा, चलो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, आने वाले वीडियो में और इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो का कंटेंट कैसा लगा और टीचिंग कैसा लगा. चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार करते रहना.